अकेले खड़े खड़े ये हमारा हाथ नहीं है। दिखाना भाई एक बार और हाथ। ये अलग से लिखा था क्या? अलग से लिखा था नहीं नहीं ये लो नहीं हम मैं टॉपर हूँ अपने स्कूल में ये लो टप्पा मार के आता हूँ। आइए दोस्तों क्या बोलूं भाई खुशी को बोल भाई मजा आ गया देखे सेट हमको जो सेट मिला वो तो बेटर था। हाँ भाई दूरी जो हमें मिली वो भी बहुत बेहतर थी। एक फुट की दूरी पे हमारी सीट है तो खुदा करे हमारे सारे पेपर में सेट अगर सेम आ गए तो हम फेल के अपने काम कर सकते हैं। यू नो व्हाट टाइम है और क्या भाई दो फिट की दूरी है झांक के देख लूं मैं तेरे सारे आंसर्स। बट सेट 3 इजी आया था इंग्लिश का कंटेंट ज्यादा कुछ लिखा नहीं था। सेट तो सेम ही होते हैं मतलब क्वेश्चंस तो सेम ही होते हैं बहुत इजी होते हैं। कंटेंट इजी था लिखने को ज्यादा था नहीं। एंड वन मोर टिप ज्यादा कुछ लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी। 120 वर्ड्स की लिमिट थी लॉन्ग क्वेश्चंस पे एंड 50। अरे ज्यादा लिखोगे दिमाग खराब होगा एग्जामिनर क्या फायदा यार इतने सबका। उनमें बस मेन की पॉइंट्स लिख के छोड़ो खत्म करो बस यार कंट्रोवर्सी से बेटर पेपर जैसे फ्री के नंबर। इस बार तो कोई फ्री के नंबर का स्कोप भी नहीं लग रहा है कि हाँ कोई गलती करी है ऐसी। नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सैंपल पेपर से पेपर इजी आया था जितने भी सैंपल पेपर सॉल्व करे इंग्लिश के पेपर उससे काफी इजी पेपर आया था। तो हर साल का तो नहीं पता लेकिन इस साल का काफी अच्छा पेपर था तो आई होप 90 के ऊपर हम स्कोर कर ले आराम से। बाय द वे ये हमारा तीसरा साथी जो अब चैनल पे फीचर होने जा रहा है ये थोड़ा नर्डी टाइप का है तो इसलिए मुझे पढ़ाई की वीडियोस में ही ला रहा है सीधे इंगे बाय इंटर। थोड़ा पेपर का भी बताओ थोड़ा। पेपर तो यार मेरा 45 मिनट पहले हो गया था मैं लाइन में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं पेपर में इधर लाइन बनाओ पेपर कर मैं मेटा टैग्स ढूंढ रहा हूँ। ओके अब इसमें मेटा टैग्स लगाओ भाई अब इसमें कीवर्ड अंडरलाइन कर दो अभी पेपर बड़ा इजी था कुछ भी पेपर हो बीवीएल का चाहे हमारा हो लेकिन होनी गलती थी लास्ट स्प्रिंग लिखा हुआ था लास्ट स्प्रिंग को और रियलाइज को लिखा था वो रीच को रियलाइज लास्ट